फिर जब भी वाला गेट को खोलेगा ना, ऐसा हॉर्न बजना चालू हो जाएगा। तो ये दोनों आपको एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। आप देखिए इंडिकेटर ब्लिंक करेगा आपका चार बार। ये देखिए चार बार ये ब्लिंक किया। हाय गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो गाइज, आज का वाला वीडियो मैं स्पेशली अनुराग तिवारी भाई के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो वाला भाई का मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारा ऐसा मैसेजेस आया था। वो मुझे डीएम करके बोले थे, वॉइस मैसेज भी सेंड किए थे कि आपका जो किया सोनेट HTK प्लस, इसका जो की आता है ये वाला की फीचर के ऊपर आप वीडियो बनाए, क्योंकि वो भाई भी लेने का प्लान कर रहे किया सोनेट HTK प्लस, और वो शायद बुक भी किया है मेरा जैसे सेम टू सेम 1.2 पेट्रोल मैनुअल और ब्लैक कलर में। सो भाई कैसा, मुझे बहुत सारा मैसेजेस आया था, उनका रिक्वेस्ट था कि आप प्लीज ये वाला वीडियो बनाइए। सो ये वाला वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, साथ साथ आप लोग के लिए ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला। अगर आप लोग किया सोनेट लेने का प्लान कर रहे हैं, वो कोई भी मॉडल हो, लेकिन अगर आप HTE लेने का प्लान कर रहे हैं, तब जाकर कि ये वाला वीडियो आपका कोई काम का नहीं, क्योंकि उसमें आता है नॉर्मल चाबी, ऐसा उसमें रिमोट की नहीं आता। ये वाला HTK से स्टार्ट होता है, अप टू आप GT लाइन तक जाएंगे, सो उसमें ऐसा आपको रिमोट की मिलेगा, लेकिन उसमें ऐसा की नहीं मिलेगा, क्योंकि HTX से आपका स्टार्ट हो जाता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, उसमें आपको चाबी घुमा के स्टार्ट करने का उसमें कुछ नहीं है। तो उसमें भी की आता है, लेकिन उसका की का स्टाइल कुछ, मतलब उसका उस की का डिजाइन कुछ अलग टाइप का है। सो ये वाला वीडियो अगर आप लोग किया सोनेट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो जरूर से देखिएगा, आप लोग एंड तक काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। और हमारे चैनल पर आया तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। सोच लीजिए आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, की फीचर्स बताने से पहले मैं आपको एक बार चाबी दिखा देता हूँ। सो कुछ इस टाइप का चाबी आता है, जो कि फ्लिप की है, ये देख सकते हैं। और हम लोग को ऐसा दो चाबी मिला है इसके साथ, एक तो मतलब दोनों ही सेम टू सेम, दो ही हम लोग को रिमोट की मिला है, लेकिन हम लोग का जो एक्सेंट है उसमें हम लोग को एक रिमोट की मिला है और एक हम लोग को फिजिकल की मिला है, लेकिन ये वाला हम लोग का सोनेट में हम लोग को दो रिमोट की ही मिला है सेम टू सेम। सो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला बेसिकली फ्लिप की है, आप ऐसा करके इसको बंद कर सकते हैं, एक सेकंड, ये देख सकते हैं ऐसा करके बंद हो जाएगा, और ये वाला अगर प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। ऐसा इसमें फ्लिप किया आता है और तीन बटन आता है, एक तो लॉक, एक अनलॉक और एक बूट। सो इसका जो बूट वाला बटन है, ये वाला अगर हम प्रेस करके रखेंगे, सो इसका बूट मतलब अनलॉक होगा, खुलेगा नहीं, लेकिन हम लोग का एक्सेंट में जो लोग मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर वो लोग जानते हैं कि अगर मेरा जो एक्सेंट है उसमें अगर मैं ये वाला बटन को प्रेस करके रखता था तो वाला डिक्की पूरा खुल जाता था, ये वाला बूट खुल जाता था, लेकिन ये वाला गाड़ी में वैसा ओपन नहीं होता, इसमें खाली अनलॉक होता है, और बाकी ये सारा लॉक अनलॉक जो कि आप जो कि बेसिक चीज है वो सब दिया हुआ है। और माफ कर दीजिएगा थोड़ा आप लोगों को, शायद यहाँ पे विंड नॉइज आ सकता है, क्योंकि देख सकते हैं मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, और आउटडोर में इसीलिए शूट करता हूँ ताकि आप लोग को पूरा एक अच्छा सा वीडियो मिल पाए, एक अच्छा सा पूरा बैकग्राउंड मतलब सीनरी के साथ एक अच्छा सा वीडियो आप लोग को मिल पाए। सो इसलिए मैं ऐसा पूरा सुनसान जगह पर आकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। सो ये वाला चाबी है गाइस, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा लॉक को, सो ये वाला हॉर्न एक बार बजता है, एक बार इंडिकेटर ब्लिंक कर जाता है, आपका गाड़ी हो जाएगा लॉक। अगर मैं इसको अनलॉक करूंगा, सो ये दो बार ऐसा करके मतलब साउंड करेगा, दो बार इंडिकेटर फ्लैश होगा और ये वाला गाड़ी अनलॉक हो जाएगा, साथ साथ आपका जो ORVM है ये भी अनफोल्ड हो जाता है। और अगर ये वाला जो बूट का बटन, इसको अगर मैं प्रेस करके रखूंगा, ये देख सकते हैं, तो ये वाला एक बार फ्लैश करेगा, सॉरी ये वाला दो बार फ्लैश करेगा और कोई आवाज नहीं आएगा आपको, और आपका जो बूट है ये भी अनलॉक हो जाएगा। और ये वाला बूट का ऐसा जगह पर हम लोग को मिलता है एक मैग्नेटिक बटन, शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा जगह पर हम लोग को मिलता है एक मैग्नेटिक बटन। अगर मैं ये वाला को इधर से मैं प्रेस करूंगा, ऐसा करके मैं पुल करूंगा, सो हम लोग का गाड़ी का बूट हो जाएगा अनलॉक, ये देख सकते हैं हम लोग गाड़ी का बूट हो गया अनलॉक। और बाकी अभी हम मेरा सारा ये वाला गेट लॉक है, ये देख सकते हैं मेरा सारा गेट लॉक है, ओनली ये वाला बूट को मैं अनलॉक किया था चाबी से। और जब भी मैं ये वाला बूट को मैं बंद कर दूंगा, देखिए आप लोग इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए, देखिए एक बार फ्लैश किया और मेरा ये वाला बूट लॉक हो गया, मेरा गेट सारा लॉक तो है और मेरा बूट भी लॉक हो गया। सो ये मतलब ये चीज है, अगर आप ये वाला गाड़ी को अनलॉक करना नहीं चाहते, ओनली बूट को खोलना चाहते हैं, तब जाकर के आपका ये वाला बटन काम करेगा। अगर आप ये वाला बटन को प्रेस करके रखिएगा, तब जाकर के आपका बूट पूरा अनलॉक हो जाएगा। और इसमें और भी बहुत कुछ फीचर्स आता है, जो कि हो गया सेंट्रल लॉकिंग। सोचिए मेरे पास ये वाला रिमोट की था, मैं ये वाला मेरा और एक वीडियो में दिखाया था, लेकिन मैं अनुराग भाई के लिए मैं ये वाला वापस से दिखा देता हूँ, कि जब भी चोर आता है तो चोर के पास ऐसा रिमोट तो मतलब नहीं रहता, उन लोग का वो लोग ऐसा फिजिकल की बना लेता है। और वो लोग क्या करता है, एक तो या फिर शीशा को तोड़ करके वो लोग लॉक को खोल कर गेट के मतलब गाड़ी के अंदर घुसता है, नहीं तो वो लोग क्या करता है ऐसा चाबी बना लेता है, फिर चाबी को यहाँ पे घुसा करके फिर वो लोग गाड़ी को अनलॉक करता है, तब जाकर के वो लोग गाड़ी के अंदर घुस सकता है, क्योंकि उन लोग के पास ऐसा रिमोट तो मतलब नहीं रहता। फिर जब वो लोग अनलॉक कर लेगा, फिर जब भी वो लोग गेट को खोलेगा ना, ऐसा हॉर्न बजना चालू हो जाएगा, ऐसा करके पूरा आपका हॉर्न बजना चालू हो जाएगा। मैं ऑफ कर दिया, नहीं तो पूरा सुनसान जाएगा, इसलिए पूरा आवाज एकदम गूंज रहा है, तो बाप नहीं तो कुछ लोग जो मतलब इधर के जो विलेजर्स है वो लोग सोचेगा क्या आवाज कर रहा है, इसलिए मैं इसको फिलहाल बंद कर दिया। सो मतलब ऐसा करके वाला गाड़ी पूरा आवाज करता है। सेम चीज होगा, सोचिए अगर आपका कोई शीशा को ब्रेक कर देता, जब आप कोई शीशा को तोड़ेगा तब इसमें आवाज नहीं होगा, शीशा को तोड़ करके जब अंदर से वो लोग अनलॉक करेगा फिर गेट को खोलेगा, तब जाकर आपके वाला आवाज करना ऐसा पूरा चालू कर देगा। ये इसका एक एंटी थेफ्ट का वाला फीचर दिया हुआ है, क्योंकि आप तो चाबी से अनलॉक नहीं करने वाले, ऐसा क्योंकि आपके पास तो रिमोट,
रहता है और रिमोट और रिमोट रहता है वापस ऐसा करके आप क्यों अनलॉक करेंगे। सो इसीलिए एक मतलब इसमें एक एंटी थेफ्ट का फीचर दिया हुआ है। तो ये वाला फीचर मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव चीज भी है, जब आपका ये वाला इसका बैटरी डाउन हो जाएगा तब आपको तो ऐसे करके अनलॉक करना पड़ेगा, लेकिन तब आपका गाड़ी पूरा आवाज करना चालू कर देगा। सो ये एक मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। सो और एक चाबी, वो वाला चाबी से हम इसको आराम से अनलॉक कर सकते हैं, इसमें मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन लेकिन ये वाला पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। सो ये मुझे एक चीज आपको बता देना था, आप लोग के बारे कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर जरूर से बोलेगा इसका ये वाला फीचर। और बस चाबी तो ऐसा ही आता, नॉर्मल बेसिक की है इसमें, ये देख सकते हैं इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं है। लेकिन इससे अगर हम एक मॉडल ऊपर लेते जो कि HTX, उसमें आपको यहाँ से 3 बटन की जगह 4 बटन मिलता देखने को, और एक बटन जो उससे आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता। मैं एक वीडियो क्लिप आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए वो वाला। तो जैसा कि आप लोग देखे कि वो वाला गाड़ी में इस मतलब ऐसा 4 बटन हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हम लोग का 3 ही बटन दिया हुआ है, क्योंकि ये वाला हम लोग का इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता, हम लोग को इसमें चाबी घुमा करके स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये वाला फीचर आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बोलिएगा। ये वाला मतलब तब काम का आता है जब सोचिए आपका गाड़ी एकदम धूप में पार्क किया हुआ है, फिर आप चाहते हैं कि आपका गाड़ी का AC ऑन हो जाए, तब वो वाला फीचर आपका बहुत ज्यादा काम का आता है। आप सोचिए आपका गाड़ी कहीं पार्किंग में आपका पार्क किया हुआ, तब अगर आपको इसको लॉक करके अगर स्टार्ट कर देता है तो आपका पूरा एकदम AC ऑन हो जाता है, आपका पूरा गाड़ी एकदम कूल रहता है। ये वाला फीचर भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर वो वाला फीचर हम लोग का HT का प्लस में भी अगर दे देता तो काफी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं दिया तो क्या कर सकते, कुछ करने का नहीं है। लेकिन जो सारा फीचर्स है ये मतलब वैल्यू फॉर मनी फीचर्स ही है, मैं बोला सारा फीचर्स से मैं संतुष्ट हूँ एकदम। सारा फीचर मतलब बहुत ज्यादा काम का जो इसमें गाड़ी में दिया हुआ है। अब गाइस ये वाला गाड़ी का मेरा और एक फीचर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सोचिए कि मुझे गाड़ी में कुछ सामान लेने के लिए मैं अंदर गया, मेरा गाड़ी कहीं पार्क किया हुआ, मैं अंदर गया, मैं गाड़ी से मेरा सामान लिया, फिर मैं वापस आ करके नहीं वाला गेट को बंद किया और गेट अच्छे से बंद नहीं हुआ और मैं चल दिया यहाँ से लेकर के, फिर जब मैं गाड़ी लॉक करूंगा तब इसमें कुछ भी आवाज नहीं होगा। सुनिए आप लोग, मैं लॉक प्रेस कर रहा हूँ लेकिन इसमें देखिए कुछ भी आवाज नहीं हो रहा, एक मतलब हल्का सा लॉक करने का आवाज हो रहा, मतलब ये वाला सब कुछ लॉक हो गया लेकिन इसमें आवाज नहीं कर रहा है। नहीं तो ये वाला एक बार पीप करके आवाज करता और इंडिकेटर फ्लैश होता, देखिए ये देखिए ये वाला कुछ भी इसमें नहीं हो रहा, लेकिन गाड़ी अंदर से पूरा लॉक है, लेकिन मेरा गेट खुला हुआ है इसलिए वाला पूरा आवाज नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं अनलॉक करूंगा फिर देखिए वाला पूरा आवाज कर रहा है। वहीं पे जब मैं ये वाला गेट को अच्छे से मैं बंद कर दूंगा, फिर मैं ये वाला गाड़ी को लॉक करूंगा, तब देखिए ये वाला ORVM फोल्ड हो गया, इंडिकेटर ब्लिंक किया और हॉर्न भी एक बार बजा। ये वाला फीचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब गाइस ये वाला की का और एक हिडन फीचर है, जब मैं देखिए वाला गाड़ी को मैं लॉक या फिर मैं अनलॉक करता हूँ तो ये वाला मतलब ऐसा करके इसका हॉर्न का आवाज आता है। अब आप में से बहुत मतलब ऐसा जगह पर रहता है जहाँ पर मतलब कोई आपका सोचिए फ्लैट में रहता है या फिर कोई सोसाइटी में रहता है जहाँ पर ये वाला हॉर्न अलाउ नहीं या फिर हॉर्न से लोग को डिस्टर्ब होता है, तब आप ये वाला चीज को बंद भी कर सकते हैं। ये वाला कैसा बंद होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपका जो ये वाला की है, की में जो आपका 2 बटन है लॉक और अनलॉक का, तो ये दोनों आपको एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। आप देखिए इंडिकेटर ब्लिंक करेगा आपका 4 बार, ये देखिए 4 बार ये ब्लिंक किया। अब अगर मैं इसको लॉक करूंगा देख कुछ आवाज नहीं आ रहा, अगर मैं अनलॉक करूंगा तो अनलॉक हो जाएगा लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आ रहा। फिर से अगर मुझे एक बार चालू करना होगा तो ये वाला मुझे 2 बार ऐसा करके सॉरी वाला दोनों बटन को मुझे एक बार प्रेस करना पड़ेगा ऐसा करके, देखिए आप लोग 4 बार ब्लिंक करेगा वापस। अब अगर मैं प्रेस करूंगा ये देख सकते हैं ये वाला आवाज वापस से चालू हो जाएगा। सो ये भी एक कमाल का फीचर है जो मुझे इसका लगता है। सो बस गाइस यही था आज का पूरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। और ये वाला वीडियो मैं स्पेशल अनुराग भाई के लिए बनाया क्योंकि उनका बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था बनाने के लिए। सो अगर आपको ये वाला पूरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल पर नया तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। अब फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और अगर आपको विंड नॉइज आया तो उसके लिए मैं मतलब माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कैसा पूरा सुनसान जगह पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। सो अगर आपको विंड नॉइज आया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सो बस गाइस अब फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज के वाला वीडियो को बस एंड करते हैं। सो बाय टुडे, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।